जी ये कम ओके बैलेंस शीट बनाए पहले 3/11 के साल की बैलेंस शीट ओके okay. 3/11 के साल के लिए 3/11 के साल में कितनी पेमेंट्स हो रही थी इधर दो तीसवें ग्यारह के साल में कौन कौन सी पेमेंट हो रही थी 1/7/10 ओके 3/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो ये कल हम लोगों ने यहां पेमेंट्स प्लॉट की थी ऐसे अपने समझने के लिए 3/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो ये हमारे साल की पेमेंट है इसके नीचे लाइन लगा दी अब जरा सोच के बताएं 3/12 के साल में कौन कौन सी पेमेंट्स हो रही हैं ये 3/12 के साल में नहीं हो रही जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको तो बहुत ज्यादा बेहतर पता है ये 3/12 के साल में पेमेंट नहीं हो रही ये तो 3/12 के अगले दिन पेमेंट हो रही है तो हमारे साल के अंदर कितनी पेमेंट्स हो रही हैं भाई दो
7.6 और 8.2, ये चला जाएगा करंट के अंदर और ये नॉन करंट के अंदर। जी सोच ले, जरा थोड़ी देर के लिए ना यहां इधर देखें, ये कौन सा साल है? 30/11। अगला साल कौन सा है? 30/12। अच्छा 30/11 के अंदर, इधर देखे, इधर देखते हैं, 30/11 के अंदर पेमेंट पहली कब हुई होगी? इधर देखे बताए, इधर देखे, 30/1/7/10। अभी शेड्यूल की तरफ नहीं देखना। और 30/11 में दूसरी पेमेंट कब हुई होगी? 1/1/11। अब 1/1/11 को ढूंढना, जाके 1/1/11 को ढूंढने और उसके नीचे लाइन लगा देनी है, हमारे साल में और कोई पेमेंट नहीं भी। अच्छा उसके बाद अब ढूंढना है करंट ईयर कौन सा है। करंट ईयर के लिए क्या करना है? अगर हम 30/11 को खड़े हैं तो हमारे लिए करंट ईयर कौन सा है? 30/12। 30/12 के साल में जो पेमेंट हुई होंगी वो कब होंगी? वो सारी करंट होगी 1/1/7/11 और 1/1/12। ये दोनों पेमेंट किस में चली जाएंगी? करंट, दो सी करंट आ गया, बाकी सारा नॉन करंट। कितना उन्होंने घर में बना ली थी बैलेंस शीट? ओके क्लास में बना ली। अच्छा जी अगले साल की कोशिश करें बैलेंस शीट बनाने की। चले जी भाई आप आ जाए हो फर्स्ट डे। चले जी अगले साल की बनाए। जी मैं आता हूँ उसकी तरफ आऊंगा। ओके 30/12 ये जवाब देने हैं, जरा आंखें खोल के अटेंटिव होइएगा। 30/12 में पेमेंट, पेमेंट 30/12 में पेमेंट कब होती है? अगर सवाल एनुअल एरियर का होता, अगर सवाल सेमी एनुअल एरियर का होता तो पेमेंट कब होती? 31/12/11 को, 30/6/12 को। अगर सवाल सेमी एनुअल एडवांस का है तो 30/12 के साल में कब कब पेमेंट हुई होगी? 1/7/11 और 1/1/12। अब 1/1/12 को ढूंढना है, बस 1/1/12 को ढूंढना है। 1/1/12 हमारे 30/12 के साल की आखिरी पेमेंट है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको बहुत ज्यादा बेहतर पता है 1/1/12। 1/7/12 तो वो कहते थे टैक्स ये 13 शुरू हो गया, तो 1/1/12 हमारे साल की आखिरी पेमेंट है। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दे। अब जितनी पेमेंट्स 30/13 में है वो करंट है। अब ये देखें 30/13 में ही है लकीली दोनों, एक 30/13 में पहले महीने के पहले दिन है, एक सातवें महीने के पहले दिन है। तो ये 30/13 की दोनों पेमेंट्स किस में चली जाएंगी? करंट के अंदर, और ये नॉन करंट, नथिंग इज नॉन करंट।
ओके जी, इंटरेस्ट रिसीवेबल अब आएगा करंट एसेट्स में. करंट एसेट्स विल शो नाउ इंटरेस्ट रिसीवेबल. भाई जब भी इंटरेस्ट आ जाए ना तो लाइन की कैद से बाहर निकल आए. लाइन किसके लिए है? लाइन दो चीजों के लिए है, बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल करंट नॉन करंट के लिए, और लाइन है मैच्योरिटी एनालिसिस के लिए. रिकॉन्सिलिएशन के लिए भी लाइन नहीं है. रिकॉन्सिलिएशन के लिए जो है अनअर्न इंटरेस्ट इनकम उठानी होती है. तो जब भी इंटरेस्ट का लफ्ज आ जाए ना, ये बात याद रख लें, जब भी इंटरेस्ट का लफ्ज आ जाए तो लाइन की कैद से बाहर निकल आना है. तीन जगह इंटरेस्ट का लफ्ज आता है, उस वक्त आपने लाइन की कैद से बाहर निकल आना है और लाइन को जहन में रखे बगैर सोचना है. किन तीन जगह पर इंटरेस्ट का लफ्ज आता है? प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए इंटरेस्ट इनकम नजर आती है, तब लाइन की जरूरत नहीं है. बैलेंस शीट बनाते हुए इंटरेस्ट रिसीवेबल नजर आता है, तब लाइन की जरूरत नहीं है. नोट में रिकॉन्सिलिएशन बनाते हुए अनअर्न इंटरेस्ट का लफ्ज आता है, तब लाइन की जरूरत नहीं है. तो जितनी दफा भी इंटरेस्ट का लफ्ज आएगा आपको लाइन की जरूरत नहीं है. यू हैव टू थिंक डायरेक्टली, आप डायरेक्टली सोचेंगे आपको बात समझ आ जाएगी. लेकिन जब बैलेंस शीट के अंदर लीज रिसीवेबल मालूम करने और मैच्योरिटी एनालिसिस नोट में बनाना हो, यू नीड टू थिंक अबाउट लाइन. ओके, दिस इज अनदर लाइन, लीव इट. ओके, अच्छा भाई, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस कल बनाया था वो लाइन, ये लाइट कहते हैं ऑफ कर दिया करें, करें वो उनको इशू होता है. अच्छा जी, ऑफ करें. क्या चीज? आगे आ जाए, फर्स्ट रो में आ जाए. प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए इधर बता दें कल क्या फिगर आई थी. 5.3, 3.1. ओके, लीव इट. ये कैसे आई थी? ये कल आपने घर में सोच लिया होगा. ओके, इंटरेस्ट रिसीवेबल. इंटरेस्ट रिसीवेबल के लिए आपने यहां आके घूरने 30/11. अगर सवाल एनुअल एरियर का होता तो फिर 30/11 के साल का इंटरेस्ट कितनी दफा नजर आ रहा होता? एक दफा. और किस दिन? और मिल चुका होता या मिलना होता? तो फिर रिसीवेबल जीरो होता. अगर सवाल सेमी एनुअल एरियर का होता तो 30/11 के साल का इंटरेस्ट पहली दफा पहले 6 महीने का कब मिलता? सेमी एनुअल एरियर 31/12/10, और दूसरी दफा 30/6/11. जब ये दो दफा इंटरेस्ट मिलता तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो कितना रिसीवेबल में जाता? तो एनुअल एरियर का सवाल हो या सेमी एनुअल एरियर का सवाल हो, एनुअल एरियर में 30/11 को मिल जाता और सेमी एनुअल एरियर में 31/12/10 और 30/11 को मिल जाता, तो कोई रिसीवेबल ना होता. अच्छा, इधर अगर सवाल सेमी एनुअल एडवांस का है तो पहले 6 महीने किस दिन एंड होंगे? किस दिन एंड होंगे? इनका इंटरेस्ट कब मिलेगा? 1/7/11 भी हमारे 1/1/11. दोबारा 30/11 का साल है, पहले 6 महीने कब एंड होंगे? 31/12/10. सेमी एनुअल एरियर में 31/12/10 का इंटरेस्ट कब मिल जाता? 31 सेमी एनुअल एरियर, सेमी एनुअल एरियर में 31/12/10 का इंटरेस्ट कब मिल जाता? 31/12/10. लेकिन सेमी एनुअल एडवांस पिछली, अच्छा सेमी एनुअल एडवांस के अंदर कब मिलेगा? 1/1/11. तो वो तो 6 महीने का इंटरेस्ट 7वें के पहले दिन जब मिल गया तो नथिंग इज रिसीवेबल. सोच लें दोबारा, ये 30/11 का साल है ना, 1/1/10 जिन्होंने टैक्स पढ़ा तो फौरन बोला करें 1/1/10 और 30/11. बोले पहले 6 महीने का इंटरेस्ट कब मिलेगा?
तो क्या पहले छह महीने का इंटरेस्ट सातवें महीने के पहले दिन मिल गया, साल खत्म होने से पहले मिल गया? तो स्टैंडिंग ऑन 30 जून 11 देर इज नथिंग रिसीवेबल। आखिरी छह महीने का इंटरेस्ट कब मिलेगा? 1/7/11 वो मिल गया या मिलेगा? जब मिलेगा तो वो रिसीवेबल। इसलिए सेमी एनुअल एडवांस के सवाल में एक चीज नोट करें, यहां 12 महीने की इनकम आएगी, यहां 6 महीने का रिसीवेबल आएगा। एनुअल एडवांस के सवाल में क्या था? एनुअल एडवांस के सवाल में यहां 12 महीने की इनकम थी, 12 महीने का रिसीवेबल था। क्यों ऐसा था? क्यों ऐसा था? इधर देखें, उसमें क्या था? उसमें पूरे साल का इस दिन मिल रहा था, तो जो इनकम थी वही रिसीवेबल था। फोकस करें, एनुअल एडवांस के सवाल में पूरे साल का यहां मिल रहा था जो इनकम थी, तो 12 महीने इनकम में जा रहे थे, वही 12 महीने रिसीवेबल में जा रहे थे। बट इफ आई टॉक अबाउट सेमी एनुअल एडवांस, तो 6 महीने का सातवें के पहले दिन और 7 से 12 महीने का 13वें के पहले दिन। तो फिर आप बता दें कि कौन सा सिर्फ रिसीवेबल में जाएगा। इफ दिस डायग्राम इज इन योर माइंड, यकम जनवरी 11 वाला रिसीवेबल में जाएगा या यकम जुलाई 11 वाला? यकम जुलाई 11 वाला उठा लें, 2.4। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू थिंक। अगला बना लें, वैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल में ना, अगर आप चाहते हैं कि सोचना नहीं है तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है, एक रट्टा भी मार सकते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल में। ये जो डेट है ना, इससे जो अगली डेट है एक दिन बाद वाली, उधर पड़ा होता है बस। ये सिंपल रट्टा है, अगर आपने रट्टा मारना है। ये रट्टा एप्लीकेबल है एनुअल एडवांस के लिए भी, सेमी एनुअल एडवांस के लिए भी, क्वार्टरली एडवांस के लिए भी। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल के साथ आप लिख सकते हैं साल के अगले दिन पड़ा होता है, बस। इंटरेस्ट पेएबल के लिए भी यही सिंपल, साल के अगले दिन पड़ा होता है। जाहिर बात है अगले दिन मिला तो वो पिछले का मिला होगा, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट। ये क्या है? 30 जून 11, तो बोले यकम जुलाई 11, ये तो लंबी बात कर दी ना। ये क्या है? और यकम जुलाई, ये क्या है? 30 से 12, तो अगला दिन 1/7/12, बस। एक दिन बाद के गैप से आपने ढूंढ लेना है, अगले दिन की फिगर उठा लेनी है, उर्दू में लिख लें। ये हर सवाल में चल जाएगा, चाहे एनुअल का हो, चाहे सेमी एनुअल का हो, चाहे क्वार्टरली का हो, लेकिन एडवांस के सवालों में, वो तो आपको पता ही है, इंटरेस्ट रिसीवेबल एरियर के सवालों में नहीं आता। तो अगले दिन की फिगर उठा लेनी है। ओके, व्हाट इज अगला दिन? 1/7/12, 1/7/12 के सामने बोलें कितने? 23। ओके, किताब कितने लोगों के पास नहीं है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, ये कल से लाया करें। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 6 पास पेपर का ना कॉपी करा के ला दो। ये ले आते हैं जोहर, क्वेश्चन नंबर 6, 15, 16, 20 कॉपीज करा के ला दो। ओके, बनाएं जी। आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं, नोट बना दें 30 जून 11 का।
हाथ खड़ा कर दे बन गया तो। ओके जल्दी करें बाकी लोग, जिनका बन गया वो दाएं बाएं फूंक मारते रहे लोगों को ताकि वो भी बना लें। ये बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल मालूम करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल में पेमेंट कौन सी हुई है देखें जरा, हमारे साल में पेमेंट कौन सी हुई है? आखिरी पेमेंट 1/11, तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा, हमारे साल की पेमेंट। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ उनको तो वैसे ही पता है 30/11, ये 30/12 का साल शुरू हो चुका है, ये कम जुलाई, ये तो अगला साल शुरू हो चुका है। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल पेमेंट एरियर में हुई है या एडवांस में होगी थी पहले 6 महीने की? एडवांस में। तो ये हमारे साल की पेमेंट है। गेटिंग द पॉइंट, गेटिंग द पॉइंट। थिंक यू आर स्टैंडिंग ऑन 30/11, 30/11, तो हमारे साल पेमेंट कौन सी हुई होगी? 30/11 से पहले वाली पेमेंट ढूंढे। ओके इसका भी अगर आपने रट्टा सुनना है तो वो सुन लें कि हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। ये अगर कभी भी आप चाहते हैं कि एरर ना हो तो इसका सूल सुन लें। ये जो आपने ये फिगर सोचनी है, ये फिगर ढूंढनी है, नहीं मिली इससे पिछली वाली जो भी फिगर होगी उसके नीचे लाइन लगानी है। थिंक थिंक थिंक, वही आखिरी पेमेंट होगी ना हमारे साल की। सोचे सोचे सोचे, इसका भी बस अब जहन में ले आए एक स्केच ताकि जल्दी से आ जाए। 30/11 या ये इसको जरूर देखना होता है, इसको देखें ढूंढें, नहीं मिली कोई नहीं इससे पिछली को ढूंढ ले, मिल गई 1/11 मिली है इससे पिछली, ये इससे अगली है प्लीज। तो हमारे साल की आखिरी पेमेंट कौन सी हुई है? 30/11 को हुई है, तो वैलन को नहीं हुई तो 30/11 से ऊपर। ओके अच्छा जी, अब बता दें नोट का नाम लेसर क्या रखता है? मे बी नोट 4 रख दें, 3 रख दें, जो मर्जी नंबर रखते हैं। फाइनेंस लीज, ये जनरल डिस्क्रिप्शन है, इंग्लिश में लिखनी है। मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। लेस देन 1 ईयर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड मोर देन फाइव वालों को इकट्ठा कर दिया जाता है। ओके आई एम स्टैंडिंग इन 30/11। अच्छा नाउ यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस। लेस देन 1 ईयर कितनी पेमेंट्स है? 2। 1 to 2 years 2। तो 1 साल के अंदर अंदर कितनी पेमेंट्स हुई? ये 2। 1 साल के बाद बट 2 साल के फोकस करें, ये 30/13 का साल है। फोकस ये 30/13 का साल है। एनुअल सेमी एनुअल एरियर तो बड़ा आसानी से आप पकड़ लेते, अभी थोड़ा सा सोचना पड़े। ये सोचे 30/13 का साल है क्योंकि पहले महीने का पहला दिन आ रहा है और 7वें का पहला दिन आ रहा है। तो ये सोचें 30/13 का साल है ये। ये 30/12 का साल 1 में चला गया और 30/13 का साल 2 में चला गया। ओके 20 20 40, टोटल का मतलब है इसमें डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ, टोटल लीज रिसीवेबल। ये पैसे लेसर ने किससे लेनी है? लेसी से। अच्छा यहां पे किसका नोट पूरा हो जाता है? लेसी का नोट यहाँ पूरा हो जाता है। मैंने बताया था आईकैप को ईमेल की हुई है, हो सकता है इधर 2 कॉलम हमें और डालने पड़े इधर ही, लेकिन वो भी देखें छोड़ें अभी फिलहाल। लेसी का नोट फिलहाल यहाँ तक पूरा हो जाता है जो आईकैप की स्टडी डेस्क के मुताबिक है। लेसी का नोट यहाँ पूरा हो जाता है। अब लेसर के नोट में, इसलिए हमने लेसी के नोट की ज़्यादा रिविजन नहीं की,
अब लेसर के नोट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा 4.3, इट इज कॉल्ड एज रिकॉन्सिलिएशन। ओके, टोटल लीज रिसीवेबल 40। ओके, अब एक बात याद रखिएगा, जिस वक्त लीज खत्म होगी, जिस वक्त लीज खत्म होगी तो लेसर ये कोशिश करेगा कि इस एसेट को ले जाए बाजार और किसी को बेच दे। जब लेसर बाजार में जाके किसी को एसेट बेचेगा तो लेसर एसेट की रेजिडुअल वैल्यू रियलाइज करेगा, लेकिन ये रेजिडुअल वैल्यू बाजार में किसी ने गारंटी नहीं की होगी, इसलिए इसको कहते हैं अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये वो पैसे हैं, इसको इसलिए अलग से फेस पे शो किया जाता है कि ये पैसे लेसर लेसी से नहीं ले रहा, ये पैसे लेसर लेसी से ले रहा है, ये पैसे लेसर लेसी से नहीं ले रहा, ये सवाल में गिवन नहीं है। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। ओके, अब लाइन की कैद से बाहर आ जाएं, अब आप लाइन की कैद से बाहर आ जाएं, और अगर आपके पास पेपर में टाइम नहीं है तो बस सिंपल ये देख लें, 30/11 का प्रॉफिट एंड लॉस अगर बन चुका है तो उसमें जो इंटरेस्ट चला गया है वो अर्न्ड है, बाकी सारा अनअर्न्ड है। तो ये 5.3 हमने डाला था 30/11 के प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये अर्न्ड है, बाकी सारा अनअर्न्ड है। If you have already prepared profit and loss, then note में सोचने की जरूरत नहीं है। नोट में क्या करना है, जस्ट कम हेयर, 30/11 का नोट बना रहे हैं तो 30/11 का क्या देख लें, 30/11 के प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा, अर्न्ड, तो बाकी सारा अनअर्न्ड। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के बाद नोट बना रहे हैं तो फिर आपको सोचने की भी जरूरत नहीं। ओके, नाउ व्हाट इज अर्न्ड, 2.9 प्लस 2.4 आया था ना कल 5.3, व्हाट इज अर्न्ड 2.9 प्लस, देन व्हाट इज अनअर्न्ड, जी 36.3। अच्छा जी, अब अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही कि ये एग्री नहीं करा तो लाइन जरा मुझे दोबारा लगवा दें, यहां लगी हुई थी तो लाइन के ऊपर नीचे ना पीनट बना लें, ये करके देखें मैच कर रहा है, बस ठीक है, इस तरह की तरह हमने चेक कर लिया था अभी कि ये मैच कर रहा है। तो पीनट की एक पीनट में दो पीनट्स होती हैं आमतौर पर, तो एक पीनट लाइन के ऊपर होगी, एक पीनट लाइन के नीचे होगी। भाई कह रहे हैं तीन होती है, चलें अभी आप लोग सवाल करें। रेड शर्ट आपने कल छुट्टी की थी, अच्छा Thank you.
ओके पढ़ें ये पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 किताब से. जल्दी जल्दी दाएं बाएं से किताब की एक्सेस लें. बता दें भाई ये डेट इंस्टॉलमेंट का लफ्ज लिख के रहने दीजिएगा. डेट इंस्टॉलमेंट जी भाई. कितने लोगों ने जाकर होमवर्क करके दोस्त से शेयर किया था और कंपेयर किया था फिर. ओके बाकी लोग अभी कर लें, एक मिनट लें जरा होमवर्क वाला सॉल्यूशन कंपेयर करें. मिटा दो शेड्यूल भी. उसे नंबर दे दें 10/10, 8/10 दे दें, 6/10 दे दें. सफाई का एक काट ले नंबर. सबसे आखिर में इंटरेस्ट कितना आ रहा है? सबसे आखिरी लाइन में जीरो नहीं आ रहा होगा. सबसे आखिरी लाइन में 1. जी अभी बैठे बैठे कितने लोगों को पता चला कि उनका सोल्यूशन मैच नहीं कर रहा? हाथ खड़ा करें. कितनों का मैच कर रहा है? जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उन्होंने होमवर्क नहीं किया या मैच नहीं कर रहा? होमवर्क नहीं किया जितने लोगों ने वो हाथ खड़ा करें. जिनका मैच नहीं करा वो हाथ खड़ा करें. जो तीनों कैटेगरीज में नहीं है वो हाथ खड़ा करें. वो हाथ खड़ा. किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचने देते आप. ओके चलें जी सवाल शुरू करते हैं. गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड पेज नंबर 151. गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड हैज लीज सर्टन इक्विपमेंट टू डेरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑन 1 July 2013. इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज 28.69 million. अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1 July 2013 इज 3 million. एंड 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेबल इन एरियर्स. चलो एरियर का सवाल हो गया, आसान हो गया. 30 June each year 7.8.
एंड आखिरी लाइन छोड़ें भी, गारंटेड रेजिडुअल ये क्या है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन जकम जुलाई 13। हाँ डाउन पेमेंट हो सकती है, यानी एनुअल रेंटल के अलावा है, ठीक है। तो यकम जुलाई 13 के आगे आपने लिखा इन एडिशन टू एनुअल रेंटल, इट इज डाउन पेमेंट, इट इज डाउन पेमेंट, इट इज डाउन पेमेंट। लिखते हैं साथ वाले की किताब भी है पास, तो खैर है। इट इज डाउन पेमेंट इन एडिशन टू एनुअल रेंटल, ये एनुअल रेंटल के अलावा है, उसने नहीं लेके आनी कभी भी किताब, इसी पे गुजारा चलाएगा, आप ले आते हैं। ओके, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑन एक्सपायरी ऑफ लीज, लिखें दिस गारंटी इज नॉर्मली गिवन बाय लेसी टू लेसर, दिस गारंटी इज नॉर्मली गिवन बाय लेसी टू लेसर। ओके, दो नई चीजें बता दें जो इस सवाल में आ रही हैं, इससे पहले सवालों में नहीं आती थी, डाउन पेमेंट आ रही है और गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू आ रही है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ लीज लिखा हुआ है, तो फिर इसकी डेट बता दें क्या है, ये कब पे होनी है, ऑन एक्सपायरी ऑफ लीज डेट बता दें 30/6/14, 30/6/15, 30/6/16, 30/6/17, कितने साल की लीज है, तो चौथे साल के एंड पे ये पे होनी है, चौथे साल के एंड पे होनी है। ओके, कितनी अमाउंट 5 की। ओके, यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज 5 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%। ओ तेरी, सवाल खत्म हो गया, चलिए छोड़ें, रिक्वायरमेंट छोड़ें। ओके, अच्छा भाई कल आपको क्या बताया था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के दरमियान में क्या बना लिया जाए, कि दरमियान में बनाना नहीं है, बनाते बनाते उसके दरमियान में क्या बना लिया जाए, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में कौन सा कॉलम बना लिया जाए, डेट और इंस्टॉलमेंट्स का, ताकि फिगर्स को डिस्काउंट करना आसान लगे, ठीक है। तो उसी मेथोडोलॉजी में मैं चलता हूँ, पहले मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपके सामने कैलकुलेट करने लगा हूं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में जिस कंक्लूजन पे स्टैंडर्ड वाले पहुंचे हैं, उसमें तीन चीजें आएंगी। नंबर वन, डाउन पेमेंट प्लस एनुअल रेंटल प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू या परचेज ऑप्शन। ओके, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी परचेज ऑप्शन जैसी ही एक चीज है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये तीनों चीजें नजर आ रही हैं, हम इन तीनों को ले लेंगे। ले आए सवाल, डाउन पेमेंट आ रही है, नोट कर लें, कुछ नहीं होता, डाउन पेमेंट एनुअल रेंटल प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जी। किताब की एक्सेस ना हो तो हाथ खड़ा रखें, इधर इस इधर भी फर्स्ट रो में दे दो, ऊंची से हाथ खड़ा रखें। हर दो को एक दे दो, चलो अभी जाने दे, तो इधर ही खत्म हो जाने हैं, जल्दी हर दो को एक दे दो। थोड़ा सा कल आप हजरात ने टाइम पे आना है, कल लेसी और लेसर के फाइनल फॉर्मूलाज बताए जा रहे हैं जो आपके सामने शो किए जाएंगे।
अभी ये फॉर्मूला पार्शल है, उस पार्शल फार्मूले को कल फाइनल में हम कन्वर्ट करेंगे, उस पर तकरीबन आधा घंटा लगेगा, तो फिर उस दौरान इस पर बात हो जाएगी। तो अभी जो डाटा गिवन है उसकी बुनियाद के ऊपर ये फार्मूला जो बन रहा है वो आपके सामने है। अच्छा अच्छा इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेसी लेसर को कौन कौन से पैसे दे रहा है, कुछ पैसे के बारे में क्या कह रहा है, अभी ले लो, अभी ले लो, वो कितने हैं, 3। कुछ पैसे 4 किस्तों में ले लो, कुछ पैसे 4 किस्तों में ले लो, और कुछ पैसे लीज के एंड पे ले लेना। ये मैं तुम्हें क्या करता हूं, गारंटी करता हूं, ये मैं तुम्हें क्या करता हूं, गारंटी करता हूं, ये पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। ओके, इसकी थोड़ी सी वजह सुन लें, थोड़ी सी वजह सुन लें, ये 5 मिलियन लेसी लेसर को क्यों देता है। असल में होता यह है कि लेसी जब लेसर को एसेट वापस करने जाता है ना, तो लेसर को ये डर होता है कि इसने एसेट जो है ना पराया माल समझ के इस्तेमाल किया होगा। क्योंकि आपको पता है एक चीज की उम्र 5 साल है, आपने 4 साल इस्तेमाल करनी है और चौथे साल के एंड पे आपने वापस कर देनी है किसी को, तो आप जो स्पीड ब्रेकर आ रहा होगा आप स्पीड बढ़ा देते हैं, आप कहते हैं लोग देखें मैं कैसे उछल के जो है वो फ्लाई करके जाता हूँ, फिर लोग पीछे से आवाजें दे रहे हो यार ये खड्डों में भी कैसे चला रहा होता है, देखे तो नहीं जबरदस्त किस्म को, इसके साथ बैठो 10 मिनट में कॉलेज पहुंच जाता है बंदा, ठीक है वो कई दफा। अच्छा जी, तो अब सवाल ये राइज होगा कि जब लेसी को ये पता है कि मैंने ये एसेट लेसर को वापस कर देना है, जरा नजर मारें सफे के एंड पे एसेट की उम्र कितनी है, और जरा नजर मारें डब्बे में किराए पे कितने साल के लिए लिया है, 4 साल के लिए, चौथे साल के एंड पे लेसी ने किसको वापस कर देना है, पहले 2-3 साल तो प्यार मोहब्बत से चलाएगा क्योंकि लेसी को पता है मैंने भी चलाना है इसे, लेकिन चौथे साल इंशाल्लाह मंड के चलाएगा, ठीक है अन्यवा चलाएगा, ब्लाइंडली चलाएगा, ओए लेवल वाले भी बैठे हैं। ओके, तो अब चौथे साल जब वो पागलों की तरह चलाएगा तो लेसर को ये डर होगा कि मेरा एसेट खराब करके मुझे वापस करेगा, तो लेसर उस रिस्क को कवर करने के लिए उसे क्या कहता है, तुम मुझे रेजिडुअल वैल्यू क्या करो, गारंटी करो। अब एसेट भी वापस करेगा और साथ कितने पैसे वापस करेगा, 5 मिलियन उसको वापस उसको पैसे दे के आएगा ताकि मिस यूज की कंपनसेशन हो, तो इसको आप मिस यूज की कंपनसेशन नाम दे सकते हैं गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को। ये पैसे कौन दे रहे हैं, लेसी, किसको दे रहे हैं, लेसर को, मिस यूज की कंपनसेशन, ठीक है चलें लिखा ना करें मर्जी आप लोगों की, पता नहीं क्या। अच्छा जी हाँ, वो कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर अगर मिस यूज नहीं होता ना तो वो उस वक्त एसेट की कंडीशन गुड देख के 5 में से कुछ पैसे छोड़ भी देता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मिस यूज का लेवल हर दफा सेम नहीं होगा। ओके अच्छा जी, डाउन पेमेंट बोले 3 मिलियन, एनुअल रेंटल 7.8 × 4 + 5, ग्रैंड टोटल 30.2। ओके अच्छा जी, अब सारे हजरात रेंटिव रहे इधर और मुझे ये बता दें कि लीज शुरू कब हो रही है, 1-7, एक लाइन तो हमने खाली छोड़नी है 1-7-13 को, उस पर तो नेट इन्वेस्टमेंट आनी है, वो लाइन खाली छोड़नी है, लेकिन आगे चलें इधर अटेंटिव रहें। ये पेमेंट कहाँ आनी है, 3 वाली, मेरा सवाल से देख के बताएं, 1-7 देखते रहें 1-7-13 कितनी, 3। ओके अच्छा जी देखते रहें, ये 7.8 कितनी दफा आना है, जरा देख के बताएं कब से आना शुरू होना है, 30 जून से आना शुरू होना है। अच्छा जी, पहला 30 जून का बैंड होगा 30 जून 14, ठीक है छोड़ें इसको, डाउन पेमेंट छोड़ें, यही नहीं हम करते थे, 1 जुलाई 13 को लीज शुरू हुई, 30 जून 14, 30 जून 15, 30 जून 16 और 30 जून 17, कितना, 7.8 7.8 7.8 7.8। तो ये मुझे सवाल याद है, पहले दिन कराया था इस तरह का, पहले दिन लेक्चर 1 में ऐसा सवाल कराया था, 1 जनवरी लिखा था वहाँ पे, 1 जुलाई 13 साल शुरू हुआ, 30 जून 14 साल खत्म हो गया, 30 जून 14, 30 जून 15, 30 जून 16, 30 जून 17, व्हाट दिस 7.8 इज कॉल्ड एज, एनुअल रेंटल। सवाल में नई चीज़ क्या है, डाउन पेमेंट बोले कितना,
3. Something left. Guaranteed residual. UGRV kithon aa gayi? GRV. Okay. Guaranteed residual value is left. Okay. Kitni hai? किस डेट को? लेकिन आपने भी नोट नहीं करना सबक. किस डेट को? 30/17 को. कितनी? 5. अब इसमें जब आप कैलकुलेशंस करने पे आएंगे तो यू विल नॉट फील कंफर्टेबल. आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे. आप ये क्या कहेंगे, 30/17 को एक ही अमाउंट आ रही है बार बार, तो जब इंटरेस्ट निकालेंगे यू विल योर सेल्फ गेट कन्फ्यूज. तो इसलिए मुनासिब कोई तरीका बता दें कि ये बड़ी अजीब सी चीज लग रही है. दोनों को ऐड करके लिख दें, दोनों को ऐड करके लिख दें, ठीक है. लेकिन फिलहाल मैं दोनों को ऐड करके नहीं लिख रहा, फिलहाल मैं आपको जरा डिस्काउंटिंग करवाने लगा हूँ. करना दोनों को ऐड करके ही लिखना है, ठीक है. अब मुझे बता दें, अगर मैंने ये आपके सामने बना ली है तो नाउ आई कैन इजीली कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट विच इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू. नेट इन्वेस्टमेंट किस दिन निकालते होते हैं हम, पता है? लीज के शुरू में पहले दिन. इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 1 जुलाई 13, अब मुझे बता दें ये वाला 3 कितने दिन बाद आना है? फॉरन. इट नीड्स टू बी डिस्काउंटेड और नॉट? ओके, इस 3 को डिस्काउंट नहीं करना. अच्छा जी, ये वाले 7.5 कितने बचे पीछे? 4. ये 7.5 जब 4 बचे तो फिर n बता दें क्या लेना है, 4. और रेट कितने अरसे का लेना है पर एनम? ओके, एन इज डिसाइडेड, आई इज डिसाइडेड. अच्छा, अगला सवाल, कॉन्स्टेंट पेमेंट्स हैं या चेंज हो रही हैं? नहीं, वो 5 को छोड़ो, कॉन्स्टेंट पेमेंट्स हैं या चेंज हो रही हैं? जी, सिंपल डिस्काउंटिंग यूज करें या एनओटी का फॉर्मूला? एनओटी का फॉर्मूला. अब वो डायग्राम हमें नहीं बनानी पड़ी, वो जो हम बनाया करते थे 1, 2, 3, 4 साल, वो हम कहते थे जी 3 इधर आ रहा है, 7.8 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 इधर आ रहा है, और इसी 7.8 के साथ 5 भी आ रहा है. अब वो डायग्राम हमें नहीं बनानी पड़ी, बना मैंने दी है वैसे, लेकिन वो डायग्राम हमें नहीं बनानी पड़ी, ठीक है. तो अब 7.8 जरा इधर से सोचें, 7.8 एडवांस का सवाल है, एरियर का, एरियर का सवाल है. अब काउंट 7.8, 1, 2, 3, 4, तो कितनी दफा n? 4. आई गैप, गैप साल साल का जी बताएं, 14% पर एनम रेट लेंगे या सेमी एनुअल? पर एनम. एंड वाई एनओटी? तो सारी चीजें यहीं से डिराइव होगी, 7.8 इंटू 1 माइनस 1 रेस टू पार माइनस 4. ये समझ आया? ये बना के वो बना लें तो ये कैलकुलेट करना आसान हो जाता है. डिवाइडेड बाय 0.14. ओके, अच्छा जी, 5 को बुलाना है इधर, 1 जुलाई 13 पे 5 को बुलाना है, 5 यहां पे बुलाना है. बता दें 5 कितनी दफा है, तो फिर एनओटी का फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, एन तो है ही 1, तो 5 कितनी दफा है? 1 दफा है. लेकिन आ कितने साल बाद रहा है? 1 जुलाई 13 और 30/17 के दरमियान गिने, 1 जुलाई 13 और 30/17 के दरमियान, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, और उसने खुद भी कह दिया था एट द एंड ऑफ लीज टर्म, और एक जगह लिखा हुआ लीज 4 साल की है. तो आप बता दें इसको सिंपल फॉर्मूला लगा के डिस्काउंट करेंगे या एनओटी का? सिंपल फॉर्मूला. बोलें कैसे? 5 × 1.14 रेस टू पार माइनस 4 माइनस 4. लेकिन ये तो आपके समझने के लिए था सारा, 7.8 प्लस 5 जी बोले 12.8. मे बी यू कैन डू इट लाइक दिस, स्टार साइड पर रखे 12.8. इट इज हाउ यू विल डिस्काउंट. वाई 7.8 को 5 से अलग रखा ड्यूरिंग डिस्काउंट, ताकि इस पे एनओटी लग जाए, वरना 12.8 आ जाता तो फिर आपने पता क्या करना था, फिर आप लोगों ने था ये 3 बच गए तो इसमें ये है, तो नहीं नहीं, बस 7.8 को अलग 30/17 के सामने मैंने समझने के लिए लिखा, फिर उसको अलग लिखा.
ओके जी, व्हाट इज द ग्रैंड टोटल? 28 पॉइंट. एग्जैक्ट फिगर क्या आ रही है? 28.69. जरा सवाल में आए, उसने 28 पॉइंट क्या ली हुई है? 69. अच्छा, और 3 के बाद भी कितने डिजिट यूज़ किए हुए हैं और 7 के बाद? तो सवाल बनाने वाले की आपको क्या लग रहा है, किस तरफ जहन जा रहा है उसका? वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट 4 है, तो आप भी 2 डिजिट पे रहें. 28.69 करते हैं सर. ओके चलें जी, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट करें. जी जी, यूजीआरवी और जीआरवी के अंदर कल जीआरवी, यूजीआरवी और परचेज ऑप्शन, इन तीनों के ऊपर कल डिस्कशन होगी आधा घंटा, कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है. ये फॉर्मूला भी अभी इनकम्प्लीट है, इसको भी कल कंप्लीट करवाना है. ओके, स्टार्ट विद नेट इन्वेस्टमेंट. लेसर कहाँ से टेबल बनाना शुरू करते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट से. 28.69. ओके जी, इंटरेस्ट 0. 25.6. ओके जी, इस पर लगाएं 14% डायरेक्ट. साल 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 साल, देखिए कंफर्टेबली 14% लगाएं. ऊपर देखें सारे, कंफर्टेबली 14% लगाएं. साल 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 साल. ओके नहीं, पॉइंट के मतलब डोज यूज कर रहे हैं वो 60. ओके 21.49, 4 point, 16 point, 70, 2 point, 34, 5 point, 46, 11 point. इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नॉर्मल ट्रीट करें इसे, अब कुछ नहीं है ये. 1.56, 11 point. जी डाउन पेमेंट उसी दिन थी, इसलिए उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया. और एंड पे जीआरवी एंड पे आ रही थी, इसलिए उसको अलग से डिस्काउंट किया एनओटी का फॉर्मूला लगाए बगैर. अब देख ले अगले सफे पे क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा. अगले सफे पे कौन सा चूहा है? विच टाइप ऑफ माउस इज देयर? दो माउस हो जाए तो ओके. माइस रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट है Prepare the accounting entries for the year ended 30 June 2014, 15 and 16 in the books of GLL to record the transaction related. ये देखें कहानी को लंबा करना सीखें भाई, आज कहानी को लंबा करना सीखें. Prepare the accounting entries for the year ended 30 June 2014 in the books of GLL to record the transaction related to above lease arrangement in accordance with the requirements of internet. चलें छोड़े, 7 नंबर. तो वह 30 June 14 की entries मांगी हैं देसी स्टाइल में. ओके बी. Prepare a note for the inclusion in GLL's financial statement for the year ended 30 June in accordance with the requirements of Khala Ji ke standards. 10 number. Number ko zyada rakh diya isne, jis baat mein aaya hua tha, gusse mein aaya hua tha, number zyada rakh diya. 17 number. 3 number aur dalta to final account ka sawal ban jana tha. Okay. Pata nahi kyun itne number isne. To 30 June 2014 ki end, behar hal theek hai, wo aapki luck hai ki 2014 mein aap nahi the. Okay. To
एंट्रीज कर दें जी 30 जून 2014 के साल की जल्दी से, और नोट तो माशाल्लाह आपको घर वालों ने बनाने सिखाए हुए हैं, नोट बना दें जल्दी। बस रिक्वायरमेंट में एक साल की है सिर्फ, 30 जून 2014 की, पहले साल की। नोट बना लें 30 जून 2014 का, जल्दी करें 30 जून 2014 की एंट्रीज करें, नोट बनाएं, उठाएं साथ वाले को। जी भाई दाएं बाएं बंदा ढूंढ के बताएं जिसने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है, ढूंढने ढूंढने ढूंढने, एक एक या दो तो होंगे क्लास में। नोट कितने लोगों ने बना लिया, हाथ खड़ा करें। ओके बाकी लोग हिम्मत करें, जल्दी करें। राम राम से बनाइए, खत्म हो गया तो फिर कुछ और शुरू करना पड़ेगा। राम राम से खूबसूरत खूबसूरत करके, लेस देन वन ईयर, ईयर पूरा लिखे वाई ए आर। Thank you.
जी कितनी एंट्रीज होनी है ऐसे खरीदने की भी मैं कर देता हूँ। अच्छा चार एंट्रीज में कराऊं, जरा तरतीब सुन लें। लेसर एसेट, तरतीब सोचा करें, इस तरह कहानी बनाया करें। लेसर एसेट खरीदेगा, फिर डाउन पेमेंट लेगा, फिर सालाना किराया लेगा, इस तरह बोला करें। लेसर एसेट बोले बोले खरीदेगा, फिर लीज पर बोले बोले साथ साथ बोले। लेसर एसेट खरीदेगा, फिर लीज पर, फिर डाउन पेमेंट रिसीव करेगा, फिर सालाना किराया रिसीव करेगा। भाई ऐसे लिखना शुरू कर दिया भाई ने। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज अरेंजमेंट एज लेस ऑफ द पेमेंट ऑफ रुपीज 3 million इज रिसीव्ड एज डाउन पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द लीज टर्म एंड द इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 7.8 million इज पेएबल एनुअली इन एरियस एंड एट द एंड ऑफ लीज टर्म गारंटेड रेवेन्यू ऑफ रुपीज 5 million। वेल डन, आई अप्रिशिएट। इसमें डाउन पेमेंट को रहने दो, सिर्फ एनुअल रेंटल का लिख दो और इंटरेस्ट रेट लिख दो, रेजिडुअल वैल्यू भी लिख सकते हैं। ओके जी, कितने लोगों ने इंग्लिश की जगह खाली छोड़ी हुई है? साथ वाला देखे शहजादा, ये हमेशा खाली छोड़ेगा, ये पेपर में भी खाली छोड़ेगा। ओके जी, एसेट की डेट ऑफ परचेज बताएं क्या है? नहीं, डेट ऑफ परचेज दी हुई है? नहीं दी हुई। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड लीज्ड इक्विपमेंट टू डेयरी प्रोडक्ट्स ऑन 1 जुलाई 2013। तो पहली एंट्री करनी नहीं है अब, लेकिन मैं कर रहा हूं समझने के लिए। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर जर्नल एंट्रीज 30 जून 2014 का साल, 1 जुलाई 2013। क्योंकि एसेट की डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है, इसलिए मैं ये एंट्री नहीं कर रहा। ओके, 1 जुलाई 2013 जी, लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट, किस पे रिकॉर्ड होगा लीज रिसीवेबल? नेट इन्वेस्टमेंट पे। ओके, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? 28.69। ओके, 1 जुलाई 2013 कराया आया, कैश डेबिट और लीज रिसीवेबल क्रेडिट जी कितना? 3। 30 जून 2014 कैश डेबिट 7.8, लीज रिसीवेबल क्रेडिट 4.2, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 3.6। इट्स ओवर भाई, पानी पीने रावी पे गए थे, 10 मिनट बाद आए हो। चलो ठीक है, रिप्लाई जरूरी नहीं। ओके नेक्स्ट, इट इज हाउ द फर्स्ट ईयर विल बी प्लॉटेड इन जनरल एंट्रीज। एरियर के सवाल की यह खासियत है कि हमारे साल का इंटरेस्ट हमारे साल मिल जाता है, इसलिए रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट करने की एंट्री जरूरत नहीं पड़ी। बल्कि देखें, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट की जगह डायरेक्ट एंट्री हो गई कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट की जगह डायरेक्ट एंट्री होगी कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। तो कल वाला सवाल करने के बाद आज वाला सवाल आपको कुछ भी नहीं लग रहा?
ये सारे पे आपको मिल जाएंगे कितने नंबर है? 7, 5/7 नंबर. यस यस यस, आई एम सेइंग, आई एम टीचर, यू आर नॉट टीचर. अच्छा, इसकी नरेशन मिसिंग है, इसके नंबर कटेंगे, और ऊपर रुपीज इन मिलियन नहीं लिखा हुआ, इसके नंबर कटेंगे. रुपीज इन मिलियन लिखने हैं और नरेशन लिखेंगे, लीज्ड एन एसेट टू लेसी, रिसीव डाउन पेमेंट, रिसीव्ड एनुअल रेंटल. ये नरेशन होंगी, क्योंकि जनरल एंट्रीज जब मांगे तो नरेशन देनी पड़ती है, हमेशा देनी पड़ती है. ओके, एक अजीब चीज, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, कि अगले साल सिर्फ एक एंट्री होनी है, मांगी नहीं, लेकिन शौक पूरा कर रहा हूं. अगले साल सिर्फ एक एंट्री होनी है. लेसर एसेट खरीदेगा, लीज पे देगा, डाउन पेमेंट लेगा, डेप्रिसिएशन की एंट्री लेसर वैसे ही नहीं करता, इंटरेस्ट रिसीवेबल की भी नहीं करनी, तो अगले साल सिर्फ एक एंट्री होगी. क्या? कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट. आपको टाइम दिया जाता तो आपने पता नहीं 2-3 कर देनी थी. नहीं नहीं, इतने भी बुरे हालात नहीं है. ओके, इतने अच्छे भी नहीं. अच्छा जी, नाउ स्टार्ट दी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग दी नोट. बोलें जी नोट, गैलेक्सी. अब 10 नंबर पूरे कराने हैं, एक एक चीज पूरी करें इसकी, नोट की. गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 June 2014. ओके, नोट नंबर 3, फाइनेंस लीज. 7 सर ने कसम खाई हुई है, 3 और 4 सर ने व्हाइट बोर्ड पे यूज किया, 3 या 4 ही लिखा हुआ उसमें, 7 नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा. ओके, 3.1, तो द कंपनी हैज एंटर्ड, इतनी भी फीस नहीं दी हुई आपने, छोड़े. द कंपनी हैज एंटर्ड इन टू अ लीज एज अ लेसर. The installments are payable annually in arrears along with the GRV at the end of lease amounting to rupees इतने. Interest rate implicit in the lease is इतने. बहरहाल एंड पे ये दिया होगा किताब के सॉल्यूशन में. Maturity analysis, contractual undiscounted cash flows. नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें. अभी मैंने आपको एक हिंट दिया है हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाने का, वो याद रखिएगा. अगर 30 June 2014 है, 14 जाके ढूंढ लें, अगर 30 June 2014 नहीं है तो इससे पिछली वाली डेट ढूंढ लें, वो हमारे साल की पेमेंट होगी. ओके मैन 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 मैन. ओके, तो इसके लिए भी आपको एक हिंट दिया है, तो 30 June 2014 लाइन लग. ओके जी, एक साल के अंदर अंदर करंट नहीं, बैलेंस शीट नहीं बन रही, नोट बन रहे, जागते रहना भाइयों. लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर्स. ओके, आओ नीचे वाले, तू भी आ, ओए तू भी आ. 12.8. ओके, जीआरवी अगर वो इधर ही डाल देनी है, वो जो जगह है ना, वो यूजीआरवी के ऐड करने के लिए जीआरवी इधर ही डाल देनी है. अभी कल बात होगी जीआरवी और यूजीआरवी में क्या फर्क है, आज ही हो जाएगी. 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर्स. ओके, 28.4. ओके, रिकॉन्सिलिएशन के लिए इधर जगह नहीं बची, इधर बना लेते हैं खुली खुली करके. वो रिकॉन्सिलिएशन ही क्या जो तंग तंग करके बनाए. रिकॉन्सिलिएशन जी, टोटल लीज रिसीवेबल को आवाज मारे, टोटल लीज रिसीवेबल बोले आया 28.4. एड अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 0, 28.4. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लेस अनअर्न इंटरेस्ट इनकम.
अच्छा, 30/14 के साल का इंटरेस्ट एरियर के सवाल में कहां नजर आ रहा होगा? 30/14 को, तो ये क्या है? तो ये अनर्न 3 पॉइंट प्लस 2.34 प्लस 1.5 6.91 21.49. There is no need of peanuts. You can just make a rewdy here. And it is reconciled. 21.49. सरहद में एक भाई कहने लगे, पता नहीं चीनी पे तिल लगा दिए, क्या खिला रहे हैं. तो ये एरियर के सवाल की खासियत है कि आपके नोट डायरेक्ट फेस पे एग्री कर जाता है. बस पढ़ने की नीयत से आया करें और सही तरह सारा होमवर्क किया करें. एक बादशाह था, उसके दो बेटे थे, वो पढ़ते नहीं थे. बादशाह ने एक टीचर को बुलाया, उसने कहा भाई इसको पढ़ाना शुरू कर. टीचर तेज था, दो तीन दिन गपशप मारता रहा, आता गपशप मारता चला जाता, बच्चे भी बड़े खुश, रोजाना 5 ट्रॉफियां दे देता. अब चौथा दिन आया तो टीचर ने सवाल पूछा, कितने दिन हो गए पढ़ते हुए? छोटे ने कहा 3 दिन हो गए पढ़ते हुए. अच्छा, रोजाना मैं कितनी ट्रॉफियां देता हूँ? ने कहा 5. तो अगला सवाल टीचर पूछने लगा तो बड़े ने छोटे को कह दिया, ये कोई पढ़ाई की बात होने लगी है, चुप कर जा. तो जब पढ़ने की नीयत ही ना हो तो फिर ओके. अच्छा जी, दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई. प्रिपेयर अ नोट फॉर इंक्लूजन इन GLL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS. इट्स ओवर, मिटा दो भाई, जस्ट सेकंड. दूर सिंध, दरिया सिंध के पास पर. भाई आप बातें कर रहे हो, ये नीचे क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है, ऊपर क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है, ये कौन सा क्वेश्चन है? डिसाइड तो कर लो. अगले सफे पे देखो क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है इसके साथ. पिछले सफे पे आओ, इसी के साथ क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है. ठहरो ठहरो, जिससे पूछ रहा हूँ ये क्या चक्कर है, ये कब से मसला है किताब में? देखो पिछले सफे पे आओ. सोचने देने चले. इससे ऊपर वाले सवाल में आए, क्वेश्चन नंबर 5. श्रेव लीजिंग लिमिटेड, द लेसर has entered into a 3-year agreement with a Sarfaraz Limited to lease a machine with an expected useful life of 4 years. The cost of the machine is itne. The following information relating to lease is: date of commencement of lease is Jakam July 7. Lease contains a purchase option at 1 lakh. Ye lecture 2 mein baat ki thi. Lease contains a purchase option at 1 lakh and at the end of lease the value of machine will be 3 lakh. Acha bhai bataye, अगर लीज के एंड पे आपको 3 लाख वाली चीज 1 लाख में मिले तो खरीदना पसंद करेंगे? अगर बाजार के अंदर रहना हो 3 लाख वाली 1 लाख में, 3 लाख वाली 1 लाख में, 3 लाख वाली 1 लाख में, तो रश लग जाएगा. ओके, तो कितने वाली चीज कितने में मिल रही है? 3 लाख वाली 1 में, 3 वाली 1 में, 3 वाली 1 में, 3 वाली 1 में. जब लगा हो तो बंदा नेचुरली
नजर तो मारेगा। ओके तो फिर इसका, अच्छा आप मुझे बता दें, आप लोग जो इधर जो मैंने जीआरवी में ली थी जगह, अब जीआरवी की जगह परचेज ऑप्शन जहां आएगी लेक्चर टू जाके रिवाइज कीजिएगा, लेकिन अब आखिर में 1 लाख लेंगे डिस्काउंट करते हुए या 3 लाख? 1 लाख, तो 3 लाख को इग्नोर कर दें, हमने सिर्फ वो पैसे लेने हैं जो हमें मिलने हैं, वो 1 लाख मिलने हैं। और लीज इंस्टॉलमेंट्स आर रुपीज 860 पेबल एनुअली इन एरियस, द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज, कितने साल की जनरल इंटरेस्ट मांगी है? ओ तेरी खैर, 3 साल की, 9 साल की, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके और कितने साल का नोट मांगे? 1 साल का। और नंबर 20 नहीं, इसे कहते हैं वावा, तो वावा नंबर है इसके, अच्छे खासे नंबर हैं। तो ये सवाल कितने लोग ट्राई करेंगे? इसमें डाउन पेमेंट भी नहीं है, ये सवाल तो आपको बहुत जल्दी हो जाना है, इसमें डाउन पेमेंट भी नहीं है। तो जिस तरह जीआरवी है उसी तरह आपने परचेज ऑप्शन को इधर ले लेना। ओके अब मैं आपकी जिंदगी के 15 मिनट लेने लगा हूँ, कीमती, अटेंटिव रहिएगा, साथ वाले को जरा उठा दें, उसके F5 का बटन दबाएं, रिफ्रेश करें उसे, जल्दी 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 जगाएं साथ वाले को, जगाएं से, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, फ्रेश हो जाओगे, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, शर्माओ ना, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, शर्मा क्यों रहे, खड़े हो जाओ, फ्रेश हो जाओगे, बोझ क्यों उठाया हुआ है, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी, ओ भाई तो शर्मा रहे, खड़े हो जाओ, पहले से ही फ्रेश है। ओके खड़े रहे, कीप वॉचिंग। वालिदैन के फरमा बरदार बैठ जाएं। ओके माशाल्लाह, अच्छी बात है सारे। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, बात जिसको समझ आनी है उसको आ जाएगी। बेटा मेरी ऐनक कहाँ पड़ी हुई है? अबू वो पड़ी हुई है, यहाँ से पता चल जाता है बच्चा फरमाबरदार है या नहीं। अच्छा बच्चा जाता है जाके दे देता है, अबू ये है। अम्मी कहती है बेटा ग्लास कहाँ पड़े, अम्मी ये वहाँ रखा था मैंने, फिर अम्मी उठती हैं या तो बैठा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ओके अच्छा लेसी का फॉर्मूला देख लें और लेसर का फॉर्मूला देख लें। इफ ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज, अगर लीज के एंड पर लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो फिर लेसी लेसर को क्या क्या पे करेगा, यानी लीज पेमेंट्स क्या करेगा, लीज पेमेंट्स, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल, एनुअल हो सकते हैं सेमी एनुअल हो सकते हैं, प्लस परचेज ऑप्शन की जो प्राइस एग्री होगी वो पे करेगा। इफ ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज, अगर लीज के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो लेसर लेसी को कहेगा मुझे अभी डाउन पेमेंट भी दो, मे बी हर साल किराया भी दो, एंड पे अगर तुम इसको खरीदना चाहते हो, वो कहेगा हाँ मैं खरीदना चाहता हूं, ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी, तो कहते फिर मुझे खरीदने के पैसे भी दो। सिमिलरली इस वक्त लेसर भी इसी तरह सोच रहा होगा, इफ ओनरशिप, इंग्लिश वही लिखनी है, लेसर की वजह से इंग्लिश नहीं बदलेगी, इफ ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज, तो फिर लीज पेमेंट्स की जगह लेसर लस यूज करेगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बट अगर आप लेसर के जूते पहने, ये थोड़े बड़े होते हैं, अगर आप लेसर के जूते पहने
तो लेसर के जूते पहन के यू विल गेट द सेम रिजल्ट. व्हाट द लेसर विल रिसीव, व्हाट द लेसर विल रिसीव, व्हाट द लेसर विल रिसीव एट द एंड ऑफ लीज, परचेज ऑप्शन की प्राइस, जो भी एग्री होगी वो रिसीव करेगा. तो एज फॉर एज अगर मैं बात करूं ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो जानी है तो दोनों के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, दोनों के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है. फॉर्मूले में चेंज उस वक्त आती है जब ओनरशिप ट्रांसफर ना होनी हो. इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज. If ownership will not transfer to lessee at end of lease. इसका फॉर्मूला भी देखते हैं. Okay. समझने के लिए एक एसेट की लीज टर्म है 4 साल और लाइफ है 5 साल. अब माहदे में लिखा हुआ है
ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज, लीज के एंड पर लेसी को ओनरशिप नहीं मिलेगी। अगर लीज के एंड पे लेसी को ओनरशिप नहीं मिलेगी तो फिर चौथे साल के एंड पे लेसी क्या करेगा? एसेट लेसर को वापस कराएगा। तो चार साल जो लेसी एसेट को यूज करेगा, अपना समझ के यूज करेगा या पराया, इस रिस्क को कवर करने के लिए लेसर लेसी से कहता है कि तुम मुझे लीज पेमेंट्स की मद में डाउन पेमेंट दो, किराया दो, और हाँ परचेज प्राइस तो मैं तुमसे नहीं मांगता, परचेज प्राइस तो बहुत ज्यादा होगी, परचेज प्राइस ना दो मुझे मिस यूज के कुछ पैसे दे दो, क्योंकि तुमने पराया समझ के इस्तेमाल किया होगा। अब लेसी लेसर को गारंटी करता है कि मैं तुम्हें इतनी रेजिडुअल वैल्यू देने को इसकी तैयार हूं। इट इज अ गारंटी गिवन बाय लेसी टू लेसर, लेसी लेसर को गारंटी करता है कि इतने पैसे मैं तुम्हें दे देता हूं। इट इज कॉल्ड एज जीआरवी, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये पैसे लेसी लेसर को दे देता है। अब उधर लेसी, एक बार याद रखिएगा, आमतौर पे परचेज प्राइस के पैसे ज्यादा होते हैं, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू के पैसे कम होते हैं। तो क्योंकि उधर लेसी एसेट खरीद रहे, इधर लेसी एसेट खरीद नहीं रहा, जान छुड़ा रहा है थोड़े से पैसे लेसर को देके कि लेसर के साथ मेरा आइंदा रिलेशन अच्छा रहे, और लेसर अगर मुझे कभी एहसास दिलाए कि तुमने जो है वो ख़राब करके मुझे एसेट दिया था, तो हम भी उसको जवाब दे सकें, तुम्हें ख़राब करके एसेट जो दिया था उसके साथ कुछ पैसे भी दिए थे। अब अगर लेसर के जूते पहने तो लेसर कहता है ठीक है, तुम मुझे डाउन पेमेंट दे रहे हो, किराया दे रहे हो, इसके साथ मुझे गारंटी कर रहे हो रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन सवाल यह है कि लेसी ने तो जान छुड़ा ली चौथे साल के एंड पे एसेट से मिसयूज के कंपनसेशन करके, बट वो एसेट एक साल लेसर के पास पड़ा हुआ है। अब वो जो एक साल एसेट लेसर के पास पड़ा हुआ है, उस एक साल में लेसर इस एसेट से कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करेगा। वो जो उस एक साल में लेसर उस एसेट से हासिल करने की कोशिश करेगा, उसमें दो सूरतें हो सकती हैं। या तो एक साल के लिए फर्दर किसी को किराए पे दे दे, वो किराया भी अभी किसी ने गारंटी नहीं किया हुआ, या उस एक साल के लिए एसेट किसी को किराए पे मत दे, बल्कि जैसे ही एसेट लेसर के पास आए, लेसर के एक साल मैंने क्या करना और ये बूढ़ा हो चुके हैं, किसी को क्या देना, इसको बाजार जाके बेच देता हूं। तो लेसर उस एक साल के लिए उस एसेट को बाजार जाके बेच दे, बल्कि चौथे साल के आखिरी दिन जब उसको एसेट वापस मिलेगा तो पांचवें साल के पहले दिन, अभी पांचवा साल पूरा गुजरेगा ही नहीं, चौथे साल के आखिरी दिन बेशक समझ लें, लेसर उस एसेट को बाजार में जाके बेच देगा। वो जो पैसे लेसर रियलाइज करेगा, वो पैसे लेसर को लेसी ने गारंटी नहीं किए हुए थे। तो दैट इज कॉल्ड एज अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये पैसे लेसर किससे रियलाइज करता है? किसी थर्ड पार्टी से। अभी इनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे जीआरबी की और यूजीआरबी की। ये पैसे लेसर रियलाइज करता है किसी थर्ड पार्टी से, ठीक है? और अक्सर ऐसा होता है कि लेसर अपने एतवार से ना इसको लीज पेमेंट कहता है, प्लस यूजीआरबी इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसको लीज पेमेंट क्यों कहता है लेसर? लेसर इसको इसलिए लीज पेमेंट कभी कभी कह देता है बिकॉज लेसर कहता है ये वो पैसे हैं जो मैंने किससे लेने हैं, लेसी से। तो बताएं कि लेसी ने पांचवें साल क्या करना है एसेट का? कुछ भी नहीं करना। इसलिए लेसी को कंसर्न नहीं कि मेरी यूजीआरवी क्या है, क्योंकि लेसर के पास एसेट चला जाएगा, और जब लेसर के पास एसेट चला जाएगा तो लेसर बड़ा खुशी खुशी जाके पांचवें साल के पहले दिन इस एसेट को बाजार में जाके बेच के कुछ और पैसे भी रियलाइज कर लेगा। अब ये जो लेसर का फॉर्मूला है, इसकी वजह क्या है, इसके बैक एंड पे रीजन क्या है कि लेसर यूजीआरवी क्यों लेता है? जरा इधर देखिएगा, जब लेसर को पता चले कि पांचवें साल के पहले दिन मुझे एसेट मिल जाना है, तो फिर लेसर को ये उम्मीद भी लग जाती है कि मैं आउटसाइड वर्ल्ड से पैसे ले सकता हूं। तो लेसर लेसी को किराया जरा कम रख के देता है,
क्योंकि लेसर कहता है ठीक है फिर तुझे किराया मैं कम कर देता हूँ पांचवें साल अगर तू मुझे एसेट वापस कर दे, लेकिन अगर तू मुझे कहता है कि एसेट लेना है फिर मैं तेरा पांचवें साल का भी किराया डालूंगा और पूरे पांच साल। अब अगर पांचवें साल के एंड पे लेसी वापस करते हैं फिर आपको पता है यूजीआरबी कम होगी होगी, लेकिन अगर चौथे साल के एंड पे वापस करते हैं फिर यूजीआरबी ज्यादा होगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि किस टाइम वो उसको वापस करे, बट यूजीआरबी विल ऑलवेज बी इररिलेवेंट इन द केस ऑफ लेसी। ठीक है, इनको कल रिवाइज करेंगे। एक मिनट, आज के सवाल में कौन सा वाला लेसर था? एक मिनट, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर, यूजीआरबी नहीं गिवन थी। खैर है कुछ नहीं होता, यूजीआरबी आज नहीं गिवन थी, कोई मसला नहीं। बट आज का सवाल लेसर का था, लेसी का था, और क्या गिवन थी? जीआरबी। ठीक है, और आपको जो होमवर्क में सवाल दिया उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सिक्स था, उसमें परचेज ऑप्शन है। ठीक है, तो कल इन पे दोबारा बात करेंगे, रेफरेंस दे लें। बंद कर दिया रजिस्टर, चलें, अल्लाह पूछे आपसे।